तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के स्टेटमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहां पर दोस्तों आज हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 30th मैच को कवर करने वाले हैं, जो कि खुलना टाइगर्स और रंगपुर राइडर्स के बीच खेला जाएगा। वेल, आज के हमारे मैच प्रीव्यू की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 के पॉइंट्स टेबल पर नजर। तो देखिए, रंगपुर राइडर्स की टीम ने इस सीजन अभी तक 8 मुकाबले खेलते हुए 6 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ली है। 2 मुकाबले उनके हाथ से निकल चुके थे और इसी के साथ रंगपुर राइडर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। तो वहीं खुलना टाइगर्स की अगर बात करें तो खुलना टाइगर्स की टीम 5वें नंबर पर काबिज है, जिन्होंने 7 मुकाबले इस सीजन खेले हैं, 4 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, तो वहीं 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में ये जो मुकाबला यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 30th मैच है, ये कौन सी टीम जीतने वाली है, किस टीम का यहां पर पलड़ा भारी नजर आता है, आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि खुलना टाइगर्स और रंगपुर राइडर्स के बीच ये 30th मैच जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा 13 फरवरी को शाम 6 बजे। तो पिच रिपोर्ट पर सबसे पहले नजर डालते हैं, तो देखिए इस पिच पर टोटल मैचेस खेले गए हैं 71, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 35 मैचेस जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 36 मैचेस में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 167 का, हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है रंगपुर राइडर्स की टीम ने 239 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर भी रंगपुर राइडर्स की टीम के नाम दर्ज है, जिन्होंने 9 विकेट पर 104 रन स्कोर किए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए स्कोर बिलो 150 बना है इस पिच पर 23 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 12 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 23 टाइम्स, तो वहीं स्कोर अबव 190 बना है 13 टाइम्स। तो ये तो हो गई दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात, लेकिन यहां पर हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन दोनों टीम्स का कितनी बार आमना सामना हुआ है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 12 बार ये दोनों टीमें इस लीग में आमने सामने आई हैं, जिसमें से 5 मुकाबले रहे हैं खुलना टाइगर्स के नाम, तो वहीं रंगपुर राइडर्स की टीम ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब ऐसे में देखिए खुलना टाइगर्स की टीम जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर काबिज है, तो इस मुकाबले को जीतना जरूर चाहेगी और अपनी पोजीशन को जो है और बेहतर करना चाहेगी। तो ऐसे में किन 11 खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है खुलना टाइगर्स की प्लेइंग 11 में, चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए अनामुल हक यहां पर कप्तानी करते नजर आ रहे हैं, इनके अलावा यहां पर शामिल रहेंगे इवन लुइस, अफीफ हुसैन, महमदुल हसन जॉय, हबीबुर रहमान सोहन, मार्क दयाल, नहीदुल इस्लाम, नसूम अहमद, सुमोन खान, कसम रजिता और रूबेल हुसैन। तो वहीं पोटेंशियल चेंज के तौर पर यहां पर फहीम अशरफ भी हमें नजर आ सकते हैं। अब बात करें खुलना टाइगर्स के की प्लेयर्स की, तो देखिए अनामुल हक का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 7 मैचेस खेलते हुए 228 रन बनाए हैं। इवन लुइस की बात करें तो 6 मुकाबलों में 150 रन अभी तक उन्होंने स्कोर किए हैं। इनके अलावा अफीफ हुसैन हैं, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 137 रन बनाए हैं। अगले जो खिलाड़ी हमने शामिल किए हैं यहां पर दोस्तों, वो है हबीबुर रहमान सोहन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सिलहट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 43 रन की शानदार पारी खेली थी। गेंदबाजों की बात करें तो मार्क दयाल का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने सिलहट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 3 विकेट अपने नाम किए थे। इनके अलावा नसूम अहमद है, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 6 विकेट चटकाए हैं और आखिरी नाम है फहीम अशरफ का, जिन्होंने 8 विकेट अभी तक निकाले हैं 4 मैचेस खेलते हुए। तो ये हो गए खुलना टाइगर्स के वो खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन रंगपुर राइडर्स की अगर प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहां पर कौन से 11 खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त रंगपुर राइडर्स की टीम टॉप पर काबिज है, तो कहीं ना कहीं अपनी इस पोजीशन को वो कायम रखना जरूर चाहेगी। यहां पर नूरुल हसन जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किन 11 खिलाड़ियों को देंगे वो जगह, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहां पर शामिल रह सकते हैं रिजा हैंड्रिक्स, रोनी तालुकदार, टॉम मॉरिस, शाकिब अल हसन, नूरुल हसन, जेम्स नीशम, महिदी हसन, शमीम हुसैन, अशकर जमान, हसन महमूद और इमरान ताहिर। तो दोस्तों ये है वो रंगपुर राइडर्स के 11 खिलाड़ी जो कि प्लेइंग 11 में हमें नजर आ सकते हैं खुलना टाइगर्स के खिलाफ खेलते हुए। अब बात करें रंगपुर राइडर्स के की प्लेयर्स की, तो जेम्स नीशम का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में चट्टोग्राम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 51 रन स्कोर किए थे, साथ ही 2 विकेट भी अपने नाम किए थे। इनके अलावा रिजा हैंड्रिक्स हैं, जिन्होंने चट्टोग्राम के खिलाफ खेलते हुए 58 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी, यानी कि ये दो बल्लेबाज इस मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा शमीम हुसैन हैं, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 107 रन बनाए हैं। नूरुल हसन का नाम भी हमने शामिल किया है, जिन्होंने 8 मैचेस में 166 रन स्कोर किए हैं। और अब बात करें गेंदबाजों की, तो महदी हसन हैं, जिन्होंने 8 मैचेस में 12 विकेट निकाले हैं। और आखिरी नाम हमने शामिल किया है शाकिब अल हसन का, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 11 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ये हो गए दोस्तों रंगपुर राइडर्स के वो बल्लेबाज और गेंदबाज जो कि इस मुकाबले में अच्छे विकेट और रन बनाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। फाइनली वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती हुई
नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों, खुलना टाइगर्स की टीम कभी भी इस मुकाबले को पलट सकती है और इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की भरपूर कोशिश करते हुए इस मुकाबले को जीत भी सकती है, क्योंकि देखिए इस सीजन इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ था और वो मुकाबला जो है खुलना टाइगर्स की टीम ने अपने नाम किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 50-50 चांसेस दोनों ही टीम के नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रंगपुर राइडर्स की टीम इस मुकाबले को जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह को बरकरार रखती है या फिर खुलना टाइगर्स की टीम यहाँ पर रंगपुर राइडर्स की टीम को मात देती हुई नजर आएगी। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो पर लगाते हैं विराम। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक लिए आदित्य रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।